इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बारिश का कहर किस तरह हैदराबाद पर नाजिल हुआ इसका अंदाजा कुछ तस्वीरों को देखकर ही हो सकता है। कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश को रहमत बनाकर बरसाए ना के अजाब बनाकर, पर देखा यह जा रहा है कि अलग अलग शहरों में आसमान फटने की वारदातें हो रही हैं और तारीखी बारिश आसमान से बरस रही। पूरे मुल्क में इस तरह की खबरें अक्सर सुनने में मिल रही। हाल ही में बेलगाम निपानी और हुक्केरी में तारीखी बारिश से करोड़ों का नुकसान हुआ, पर हैदराबाद और अतराफ में चारों तरफ बहते पानी की तस्वीरें देखी जा रही है। यकीनन इसे अल्लाह का अजाब ही कह सकते हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक सैकड़ों लोग बह जाने की खबर है, पर हुकूमत ने सिर्फ 24 लोग बहने की तस्दीक की है, यानी कि 24 लोगों की मरने की खबर बताई जा रही है। कई मकान ढह गए। अवाम में हुकूमत के नाकाफी इंतजाम को लेकर भी काफी नाराजगी दिखाई दे रही। भारी बारिश की वजह से तकरीबन निचले इलाकों के साथ शहर के काफी हिस्से पानी में डूब चुके हैं। हैदराबाद शहर के अतराफ से बहने वाली कृष्णा नदी, मुसी नदी उफान पर है। हैदराबाद शहर में इन्हीं नदियों का पानी दाखिल होने की बात कही जाए। हुसैन सागर भी लबालब भरने से दरवाजे खोले गए। कहा यह जा रहा है कि पिछले 28 घंटों से मुसलसल हो रही बारिश पिछले 100 साल में कभी नहीं बरसी थी। चार मीनार, बारकस, बनलागोड़ा, महम्मदिया हिल्स, इब्राहिम पटनम, मुशीराबाद, टोली चौकी, तमनीगोड़ा इलाकों में पानी में बह जाने से कई लोगों की मौत की खबर है। पानी में अक्सर मकान डूबे हुए, लोग घरों के ऊपरी हिस्सों में जाकर कयाम पजीर हैं, जिन्हें खाने की चीज़ें, यहाँ तक पानी भी मुहैया नहीं हो रहा। खाने पीने की तमाम चीज़ें पानी में बह चुकी है। हैदराबाद शहर के तकरीबन इलाकों में बिजली नहीं है। SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसलसल काम कर रही है। जो लोग घरों के छतों पर फंसे हुए थे उनको बचाने का काम भी जारी है। नावों के जरिए भी लोगों को बाहर निकालने का काम NDRF के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। कई कार सवारियां बह गई है। अट्टापुर में रोड पर बाढ़ का नजारा देख सकते हैं। वही नेशनल हाईवे पर पानी होने की वजह से बंद कर दिया गया है। तकरीबन 25 सेंटीमीटर बारिश होने की बात कही जा रही है। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद और दिगर इलाकों में भारी तबाही की रिपोर्ट तलब की है। सभी जिला इंतजामिया को चौकन्ना रहने की हिदायत भी रियासती हुकूमत की जानिब से दी गई है। शहर में हुई बारिश की तबाही से उस्मानिया यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात को कुछ दिन के लिए मुलतवी किया गया। मस्जिदों को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कई मस्जिदों में बाढ़ मुतासरीन ने पनाह ली है। कई सामाजिक खदमतगार तंजीमें खिदमात को अंजाम दे रही है। हैदराबाद के MP और MIM के सदर जनाब असुद्दीन ओवैसी ने भी बाढ़ मुतासिर इलाकों का जायजा लिया। यहाँ पर भी यह देखा गया कि हुकूमत की मदद पहुँचने से पहले तंजीम इदारों के कारकुनान ने फौरी खिदमात को अंजाम दिया, जिसमें कई लोगों की जान बच गई। यकीनन जिस तरह की बारिश मुख्तलिफ इलाकों शहरों में हो रही है, ऐसा नज़ारा इससे पहले तो कभी नहीं देखा था। जैसे आमाल इंसान करता है वैसे ही फैसले आसमान से होते हैं। बुराई, झूठ, फरेब, धोखा, आखरत से गाफिल, दुनिया परस्ती, ऐश परस्ती में मुब्तला, यह तमाम चीज़ें कहीं अजाब इलाही का सबब तो नहीं बन रही? हम सबको कुछ लम्हा ठहर कर ज़रूर सोचना होगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।